तो गाइस इसकी एक राइड लेते हैं, जरा कैसी है। ओ भाई भाई साहब देख रहे हो चंडीगढ़ में स्टंट। ओ भाई कहाँ से निकल रहे हैं ये भाई साहब। सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर। हेलो हेलो भाई जी कैसे हो। अड़ी भाई ने मेरे को क्या दिया था। अड़ी भाई क्या दिया है ये देख रहे हो भाई। रोहड़ू से बाबा। तो हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोडू से बाबा। तो गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई अपनी सीढ़ियाँ उतरने से। और भाई अभी का प्लान कुछ ऐसा है, मतलब हम कहीं जा रहे हैं। ओ भाई ये किसकी बाइक है भाई, ये एमटी किसकी है यार, पहचानी गाइस आपने किसकी बाइक है ये। राइडर फ्रॉम सोलन। तो गाइस आ गए हैं पीयूष भाई और हमारा प्लान बन गया हुआ है, कल हम आ रहे हैं मंडी। तो पीयूष भाई भी मतलब ज्वाइन करने वाले। पीयूष भाई ने बोला मैं भी चलता हूँ, मतलब काफ़ी टाइम से ये भी सोच रहे थे कि कहीं घूमने जाते तो ये थोड़ा बिजी थे अपने, इनके कोई फंक्शन वगैरह था तो बिजी थे। तो गाइस आज देख रहे हो दोनों बाइक है और क्या बीस्ट लग रही है। तो गाइस यही बाइक है कल मंडी में भी दिखने वाली है। तो अभी का प्लान कुछ ऐसा है, आपको पता यार आपने पिछले वाला व्लॉग देखा होगा, मैं अपनी बाइक की उस दिन वॉशिंग भी नहीं करा पाया था और उस दिन यार मतलब गार्ड वगैरह भी नहीं ले पाया यार उस लड़की के चक्कर में। लड़की के चक्कर में नहीं मतलब यार उसको मतलब लेट हो गई थी बहुत ज़्यादा मेरे को ना, मतलब शाम हो गई थी उनके बाइक के काम कराते कराते। फिर अकेले यार लड़की को ऐसे भेज भी नहीं सकते थे। और गैस यार कल ना एक सीन हुआ, एक फ्रेंड है मेरी उनको मैंने बाइक दी थी, उन्होंने यार गिरा दी और इसका ना ये देखो लीवर ही मुड़ गया यहाँ पे यार, ये ब्रेक वाला लीवर है पूरा मुड़ गया है देखो यहाँ पे टच हुआ और हल्का सा यहाँ पे भी स्क्रैच आया बिल्कुल हल्का सा। चलते फटाफट से निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपको रोड पर आगे तभी सीन के साथ। तो गाइस अभी निकल गए हुए 22 मार्केट की ओर, हमें बहुत सारा काम है और मजा आ रहा है। आज पीयूष भाई भी अपने साथ चले हुए हैं। ओ भाई स्टॉप भी लग रही है, देख रहे हो भाई। ओ भाई साहब एक नंबर एक नंबर एक नंबर। चंडीगढ़ में स्टंट हो देख रहे हो, चंडीगढ़ में स्टंट। ओ भाई कहाँ से निकल रहे हैं ये। पुलिस वाले पुलिस वाले पुलिस वाले पुलिस वाले। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ गाइस मजा आ गया यार अभी बाइक निकाल के, कसम से बता रहा हूँ। गाइस अभी यहाँ पे रुके एक भैया है, हमने उनसे मिलना है। आओ रैप मारो। तो गाइस यहाँ पे एक भाई थे, बोले भाई साउंड सुननी है, पूरा मारो पूरा सही है। तो गाइस अभी भैया से मिल गए हुए, जिन भैया से मिलने आए थे यार, मैंने बहुत मतलब रिक्वेस्ट करी भैया से कि आ जाओ कैमरे के सामने, बोले नहीं भाई यार मैं कैमरे के सामने नहीं आता हूँ। तो गाइस अभी मैंने लोकेशन लगा दी हुई है, 23 मिनट बता रहा है यहाँ पे और 11 किलोमीटर है अभी हम निकल गए हुए हैं। भाई ठंड बहुत ज़्यादा, आज एक सिंपल हुडी पहनी है बस, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है यार। सुबह तो भाई इतना कोहरा था ना, कसम से बता रहा हूँ भाई चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई हुई है। अगर किसी को लगता है ना कि भाई चंडीगढ़ में मज़े है तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठंड बहुत ज़्यादा है चंडीगढ़ में यार। भाई साहब सब्सक्राइबर 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 देख रहे हो, बंदे थम्स अप देके जा रहे हैं। गाइस अभी पता क्या हुआ, आगे एक भैया जा रहे हैं हंटर वाले, वो आए पीछे से ऐसे हैंडशेक करा भाई, बहुत अच्छा लगा कसम से यार। मतलब बंदे भी अपनी वीडियोस देखते हैं यार। SP85 नंबर था भैया का, 85 कहाँ का मुझे तो देखो नहीं पता। नाइस यार अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा भाई। ऐसे चंडीगढ़ जैसी सिटी में यार अगर आपको कोई जाने तो भाई बहुत बड़ी बात है, अगर तो अपना कोई हिमाचलिया मिल जाए तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको पता ही है यार पराया शहर है, जानते किसी को नहीं है, जो मिलता है भाई वो अपना है यार। हो गए शुरू है ट्रैफिक देख के। ओ भाई ये तो बड़े गंदे निकल रहे हैं। गाइस अभी पीयूष भाई ना मेरे को शूट करते हुए चले हैं पीछे से, मतलब आज आपको ना अच्छी अच्छी क्लिप्स देखने को मिलने वाली है भाई। गाइस अभी एक सिटी हंड्रेड वाला रेस लगा रहा है भाई, देख रहे हो भाई तुम्हारा भाई कहाँ छोड़ेगा आके जाने कहाँ देगा।
तो गैस अभी भी हमें सीधा सीधा ही जाना है, अभी भी हम नहीं पहुंचे हैं। पर यार मजा आता है यहाँ पे राइड करके, ऐसा नहीं है कि हम मजा नहीं आता है, मोटा ही मजा आता है भाई। पर एक अगर लोकेशन बंदे को पता हो ना तब तो और ज्यादा मजा आएगा, आपको पता ही है यार। अगर रास्तों का पता होता तब तो भाई कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी भी हमें सीधा जाना है। ओ भाई जब अपना ग्रुप मिल जाता है आपको बताइए यार, क्रेजी राइड करने का खुद से ही मन करता है। ओ भाई ऑटो वाला सीधे क्या था भाई, इसकी आग भाई एकदम से गाड़ी यार, मोटा ही सीन। ओ भाई ये क्या हुआ यार, यहाँ पे बता रहा आगे से मुड़ के हमें इधर वापसी आना पड़ेगा, तो यहाँ साइड से लेंगे शायद। भाई मजा आ गया यार आज राइड करके, एक नंबर। कैसी है भैया बाइक, एक नंबर। हेलो हेलो भाई जी, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? गाड़ी में थे आप, यहीं से हो? भाई मैं तो मंडी से हूँ लेकिन मैं रहता इधर ही। अच्छा इधर ही रहते हो, अच्छा लगा यार भैया मिलके आप भाई। ठीक है बस ठीक है, ओके मिलता हूँ मैं आपसे ना, ओके। क्या? हाँ भाई यूट्यूब पर है, पटाखे नहीं मारता, बुलेट नहीं है भाई जी, ये नॉर्मल है। रोडू से बाबा सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करना चैनल। गाइस भी भाई लोग मिल गए थे यार, और एक भाई अपने मंडी से मिले, अभी भाई बहुत अच्छा लगा यार ऐसे भाई मिले। ठीक है गाइस अभी पहुंच गए हैं हम 22 की मार्केट, अब आगे से हमें ना बाइक मोड़ के आना पड़ेगा, तो करें क्रेजी राइड। भाई एक तो ना मेरी ब्रेक्स भी ढंग से नहीं लग रही है यार, क्योंकि कल की ना जो वो ब्रेक पैडल होता है वो ना मुड़ गया हुआ है, तो ब्रेक ढंग से यार पुश ही नहीं हो पा रही है। गाइस अभी हम पहुंच गए हैं भैया के पास, सब लेते हैं माउंट्स वगैरह अपने जो भी है, इन यहीं से मैंने गोप्रो भी लिया था, तो यहीं पे चलते हैं। भैया नमस्कार, और कैसे हो आप? बढ़िया गाइस, अभी टूट गया था गार्ड, ये देखो यहाँ से ना पत्थर लगा था बहुत पहले, जब मैं नहाने एक बार राइड पे गया था टूट गया था, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। गाइस अभी हमने यहाँ पे यार अपना मतलब गार्ड वगैरह ले लिया हुआ है कैमरे का, और यार मेरे माइक में भी थोड़ी दिक्कत थी, मैंने वो भी दिखाया यहाँ पे। तो गाइस अभी फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, अभी हमें जाना है जावेद भाई के पास, वहाँ पे भी यार थोड़ा काम है। मतलब मैंने बोला था आपको कि अपनी बाइक कल एक बंदे ने गिरा दी हुई थी, भाई बड़े यार बाइक बड़ी नहीं है, ठीक है गिर जाती है कोई चक्कर नहीं। 2000 years later भाजी ये डंडा क्यों रखा है? कुत्तों के लिए कि बंदों के लिए? अगर लड़ाई हो जाएगी तो बंदों के लिए। हाँ यार मानना पड़ेगा, गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप जोमेटो में यार, रिस्पेक्ट है। ऐसी ठंड में भी आप मतलब बंदों के घर खाना वगैरह पहुंचा रहे हो, बढ़िया बढ़िया पाजी। गाइस जब मैं सोलन होता था ना उस टाइम पे आपको कार्तिक भाई की शॉप और KTM सोलन ही दिखता होगा, जब भी मतलब मैं काम कुम कराने जाता था कहीं भी, ठीक है। और यहाँ पे आपको जावेद भाई की शॉप ही दिखने वाली है चंडीगढ़ में, ठीक है, जब तक मतलब मैं चंडीगढ़ में हूँ। जावेद भाई नमस्कार, कैसे हो आप? बढ़िया। अरे कैसे हो आप? वाह यार, हाँ शायद आपकी भैया कोई 650 है भैया, अच्छा नाइस यार भैया, Z900 लगी मेरे तो पीछे से, बहुत प्यारी है भैया, बहुत प्यारी। गाइस कमेंट करके बताना भाई बाइक कैसी, मतलब पहली बारी मैंने 650 देखी है भाई। तो गाइस अभी मैं लेने वाला हूँ 650 की राइड, भैया ने बोला मतलब एक टेस्ट राइड ले लो, पक्का चला लूँ भैया। तो गाइस इसकी एक राइड लेते हैं, जरा कैसी है, है ना, छोटी सी लग रही है। भाई पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भाई, मतलब मज़ा आने वाला है यार, इसकी एक राइड मारते छोटी सी, तब तक अपनी बाइक का थोड़ा बहुत काम जो हो रहा है, मतलब क्लच बहुत आगे है यार इसका, भाई उड़ती है यार ये तो भाई, एक नंबर यार। ओ भाई ये क्या है भाई, इसका क्लच कैसा है, अजीब सा थोड़ा,
क्लच बहुत आगे यार इसका, इसको थोड़ा उड़ाते हैं यार, फिर उसके बाद इसको वापस लेके आएंगे यहीं पे। अरे भाई क्या कर रहे हो भाई, ये तो ऐसे क्लच छोड़ने पे ही उड़ रही है यार, ये तो देख रहे हो भाई, सिर्फ क्लच छोड़ रहा हूँ, हवा से बातें कर रही है यार ये। अब इसको उड़ाते हैं भाई, भाई 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 ये तो हवा से बातें करती है यार। भाई ज्यादा दूसरे गियर में भाई, भाई 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 एक नंबर यार, भाई ये तो बीस्ट है यार। बाइक नहीं है भाई, ये तूफान है भाई, ये कसम से बता रहा भाई, क्या बाइक है एक नंबर यार। मतलब भैया भी फ्रेंड बने, भैया दिल्ली साइड से कहीं से, मजा आ गया भैया चला गए इसको यार। बाइक किसी दिन चलते हैं, कोई ना कभी राइड पे जाने का मौका मिले तो जरूर जरूर भैया। बाइक का काम हो गया प्रॉपर, ओके डन, चेन ल्यूब वगैरह तो नहीं है, लूज नहीं था, थोड़ा बहुत था सीधा कर दिया ना, बिल्कुल मतलब सोचा नहीं था मैंने ये भी सीधा होगा, मतलब इसको सीधा कर देना टूट जाता, टूट जाता ना भैया, पर यार भैया ने मतलब एक नंबर कर दिया यार कसम से। मतलब सही है आपकी ब्रेक वगैरह भी अच्छी लगवाएगी, क्योंकि मैंने आज अपनी बाइक इसलिए रेडी कराई क्योंकि कल जाना हमने मनाली। गाइस अभी निकल गए हुए वापसी को भाई, ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, मैंने बताया था आपको मैं एक सिंपल सा हुडी पहन के आया हूँ भाई, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। आज जो गार्ड्स वगैरह लेने थे मैंने स्क्रीन के लिए गोप्रो की, वो भी ले लिए हुए हैं, और मतलब अच्छा लगा यार, और अपनी बाइक का काम भी हो गया हुआ, जो कल लीवर भी टेढ़ा हो गया था, पीयूष भाई देख रहे हो गाइस कैसे निकाल रहे हैं पीयूष भाई भी कभी कभी क्रेजी बन जाते हैं, बट गाइस आज इन्होंने मेरे को बहुत अच्छा शूट किया तो है, बाकी पता नहीं आपको क्लिप्स वगैरह कैसी लगेगी, क्लिप्स वगैरह देख लेना यार ठीक है। बाकी अभी एडी भाई का भी फोन आया था, एडी भाई भी बुला रहे हैं यार, पहले तो रूम ही निकलेंगे भाई, उसके बाद ही एडी भाई के पास जाएंगे, क्योंकि अभी भाई मेरे को ठंड लग रही है। हाँ भाई बढ़िया देख रहे हो कैसे ज़्यादा खुश हो गया बंदा, सोलन से ज़्यादा ठंड है, नहीं है ठंड सोलन से ज़्यादा है पाजी, हद कर रहे, कोई इतना मोटा है आपने पहनना हुआ, मेरे को देखो सिंपल एक हुडी पहन के आया हूँ। हाँ ये तो है, हाँ भाई भाई देखो बंदा ना वीडियो बना रहा है, सही है भाई जो मेरा हॉर्न का सीन था ना, मतलब कभी हॉर्न काम करता था कभी नहीं करता था यार, इसमें ना अंदर से एक वायर टूटी हुई थी, वो भी यार जावेद भाई ने मतलब ठीक कर दी हुई है भाई, मतलब एक नंबर काम होता है जावेद भाई के पास। भाई जब भी हम पहुंच गए जीरकपुर, अभी यार एडी भाई का फोन आया था कि यार परे मेरे रेस्टोरेंट आ जाओ आपसे काम है कुछ, तो गाइस अभी मैं पहुंच गया था एडी भाई के रेस्टोरेंट में, और भाई मेरे को एडी भाई ने ऐसा सरप्राइज दिया ना, मैं क्या बताऊं भाई, मतलब बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और एडी भाई ने मेरे को क्या दिया, तो एडी भाई क्या दिया है, ये देख रहे हो भाई हेलमेट, भाई एक्सोर का हेलमेट भाई ने मेरे को गिफ्ट किया है भाई, इतना प्यारा हेलमेट है ना गाइस कसम से बता रहा हूँ, और ये हेलमेट भाई बहुत ज्यादा मस्त है, और मतलब बहुत ज्यादा महंगा भी है, एक्सपेंसिव भी है, और भाई सेफ्टी की अगर बात की जाए तो भाई एक नंबर हेलमेट है कसम से। आपको पता है भाई दो साल से एक ही हेलमेट मतलब मैं यूज कर रहा था, दो साल हो गए थे उस हेलमेट को पूरे ना भाई, मतलब क्या बोलूं भाई, और वो हेलमेट मेरे पास ढीला भी था, बाकी मैंने आपको बताया था मतलब जैसे मेरी पेमेंट आ जाएगी तो मैं नया हेलमेट ले लूंगा, तो भाई मतलब ये क्या हुआ, मतलब एडी भाई ने सरप्राइज ही दे दिया कसम यार, ये हेलमेट इतना प्यारा लगा ना मेरे को, लिया कब खोल के, नहीं नहीं रूम पे दिखाऊंगा बंदों को, लिया कब आपने यार, दिन को ही आ गया था यार, दिन को आ गया था, ऑनलाइन हो गया भाई देख रहे हो भाई, दोस्त होते ऐसे कसम से यार, मैं इतना खुश हूं मैं बता नहीं सकता गाइस कसम यार, भाई बहुत अच्छा हेलमेट है एक्सोर का भाई, बढ़िया बढ़िया शूट करो, बड़ी अच्छी वीडियो बनाओ, बस थैंक यू, देख भाई देख रहे हो ये होते हैं भाई भाई लोग है गाइस देख रहे हो, मतलब हमारा फर्स्ट इतना एक्सपेंसिव हेलमेट ना, मेरा फर्स्ट हेलमेट है मतलब जो इतना एक्सपेंसिव है, मैंने आज तक इतना महंगा हेलमेट नहीं लिया, 2000 के हेलमेट से मैं अभी तक व्लॉग्स वगैरह बना रहा था, मतलब 2000-2500 का लिया था मैंने जब मेरे पास ड्यूक होती थी आज से 2 साल पहले, तो भाई ये क्या हुआ, मैं खुद परेशान हूँ कसम से, थैंक यू एडी भाई थैंक यू, मतलब क्या बोलूँ भाई, मैं इतना खुश हूँ ना, इतना प्यारा हेलमेट है ना गाइस कसम से। बाकी अभी रूम चलते, रूम पहुँच के आपको दिखाऊंगा कि कितना प्यारा हेलमेट है, अब हम अपना गोप्रो वगैरह जो इसमें ही फिट कर देंगे भाई, बहुत प्यारा हेलमेट है एडी भाई ने गिफ्ट कर दिया भाई, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कसम से, आई लव यू एडी भाई, आपने क्या चीज़ दे दी कसम से यार, थैंक यू, और इन लोगों को भी यार मतलब
भी भाई आप लोग भी एडी भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट करना कि भाई इन्होंने हमारे को इतना एक्सपेंसिव हेलमेट दिया और इतना सेफ्टी फीचर्स वाला हेलमेट दिया, मतलब बहुत ज़्यादा सेफ्टी है इस हेलमेट में, हेड इंजरी मतलब बिल्कुल भी नहीं होगी। आप लोगों को भी भाई यही बताऊंगा कि हेलमेट अच्छी कंपनी का यूज़ करो, ठीक है। काफ़ी टाइम से मैं तो इस वजह से चला रहा था कि आपको पता है मेरा मतलब पेमेंट वगैरह का सीन चला था, उस वजह से मैं हेलमेट नहीं ले पा रहा था। तो भाई अब मज़ा आने वाला है गाइस, तो अभी फटाफट से रूम निकलते हैं और आपको वहीं पर दिखाएंगे हेलमेट, कितना प्यारा हेलमेट है यार। तो हाँ जी गाइस, अभी मैं पहुँच गया हूँ यार अपने फ्लैट पर वापस, और भाई मतलब जो एडी भाई ने हेलमेट गिफ्ट करा ना भाई, एक नंबर हेलमेट है। मैं आपको हेलमेट दिखाता हूँ कैसा हेलमेट है। ये वाला हेलमेट मेरे को गिफ्ट करा है एडी भाई ने एक्सोर का, और इसका जो कलर है ना भाई वो बहुत प्यारा है, जैसी अपनी बाइक का कलर है ना सेम वैसा ही कलर है, नियॉन ब्लैक और सिल्वर और थोड़ा थोड़ा व्हाइट भी है। और भाई इसमें मैंने अपना ब्लड ग्रुप भी लगा दिया, देखो भाई बी पॉजिटिव शेड भी है इसमें, और भाई इसमें एंटी फॉग है देख रहे हो अंदर, मतलब जो फॉग फूक जमती है ना मतलब वो भी नहीं जमेगी इसमें, मतलब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है भाई। बहुत प्यारा हेलमेट है भाई ये देखो, कितना प्यारा हेलमेट है। कमेंट करके जरूर बताना आपको यह हेलमेट कैसा लगा। तो गाइस इस हेलमेट ने भी बहुत साथ दिया यहाँ पे, यहाँ तक इस हेलमेट को भी भाई मैं कभी मतलब इसको कहीं पे भी फेंकने नहीं वाला, इस हेलमेट को भी यूज करेंगे। और गाइस मतलब भाई बहुत याद है इस हेलमेट के साथ, कसम से भाई ये मेरा स्ट्रगल टाइम का हेलमेट है। तो गाइस इतना ही था आज के व्लॉग में, और आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और कल का व्लॉग तो और भी ज्यादा गाइस मतलब कि धमाकेदार होने वाला, क्योंकि कल मैं और पीयूष भाई आ रहे हैं मंडी। तो गाइस ठीक है, फिर मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, तो इस व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे इससे भी बारे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो मस्त रहो, बाय और राइड सेफ बॉम।